बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस जाद अहमद, जैसा कि बेटा आप क्लास फाइव का लेक्चर नंबर टेन पढ़ रहे हैं, पिछली दफा बेटा हम लोगों ने क्लास फाइव का लेक्चर नंबर नाइन पढ़ा था, इसके चैप्टर नंबर थ्री द हंटर एंड द क्रोकोडाइल्स, शिकारी और मगरमच्छ। इसका बेटा हम लोगों ने पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हाफ आखिरी जो हमारा पैसेज था वो हम लोगों ने पढ़ा था। आज बेटा हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज उस वक्त आप लोगों की कंप्लीट होगी जब आप लोगों को ये स्टोरी समझ आएगी। बेटा इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके के है कि एक शिकारी जाता है ये दरिया के ऊपर शिकार करने के लिए, वहां पर मगरमच्छों को देखता है, वो पानी से बाहर आए हुए होते हैं तो दरिया से काफी फासले पे होते हैं। वो शिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तजा करते हैं कि हमें जो है ना अपने ऊपर उठाकर जो है ना हमें ले जाओ दरिया के ऊपर, हम पानी के बगैर जो है ना मर रहे हैं भूख की वजह से। तो बेटा वो शिकारी को तरस आ जाता है, शिकारी उनसे कहता है कि तुम मुझे जो है ना नुकसान पहुंचाओगे, लेकिन वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ उससे बार बार कस्में खाते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वादा भी करते हैं। आखिरकार शिकारी इस बात पे एग्री हो जाता है कि वहां जाकर उनको छोड़ देगा दरिया पर। जब बेटा वो उनको उठाता है, उठाकर दरिया पर ले जाता है, जब वहां पर पहुंचता है उन्हें छोड़ता है, तो उनमें से एक जो मगरमच्छ होता है वो उसके पांव को पकड़ लेता है, वो पानी में घसीटना शुरू कर देता है और बाकी मगरमच्छ हंसना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है ना काफी दिनों से भूखे हैं, हमें शिकार की तलाश थी और आप आ गए, हमने आपका शिकार कर लिया। अब शिकारी जो है ना उनको उनके वादे याद दिलाता है कि आप लोगों ने हमसे एक वादा किया था कि मुझको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि ये किस तरीके की बेवकूफी वाली बातें आप कर रहे हैं कि हम आपको कैसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि हम काफी दिनों से भूखे हैं। तब वहां के जो जानवर हैं, गाय भी है और इसके बाद मगरमच्छ भी है और एक घोड़ा भी है, हॉर्स भी है, तो शिकारी उनसे इल्तजा करता है कि आप इन मगरमच्छों को समझाएं कि ये मुझे नुकसान ना पहुंचाए। सारे के सारे जो है ना उसके एंटी हो जाते हैं, मुखालिफ हो जाते हैं, लेकिन एक खरगोश होता है क्लेवर रैबिट जिसका नाम दिया गया है चैप्टर के अंदर, कि वो जो है ना उनसे कहता है कि चलो ठीक है मैं इनसे आपको जो है ना निजात दिलाता हूं। वो उनको कहता है कि आपको कहां से ये ले आया है शिकारी, वो कहते हैं कि फला जगह से हमें जो है ना ये अपने ऊपर उठा के ले आए। वो कहता है चलो ठीक है अब जो है ना इनको दोबारा उठाए और उसी जगह पर जो है ना इनको ले जाए, वहां पर छोड़ दे। अब बेटा वो दोबारा उनको उठाता है मगरमच्छों को और उठाकर दोबारा उस जगह पर चला जाता है जहां पर उनको उसने उठाया था। जब वहां पर पहुंचता है तो क्लेवर रैबिट जो है वो शिकारी से कहता है कि तुम यहां से भाग जाओ। वो जो है ना शिकारी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब वो मगरमच्छ इंतजार में है कि कोई दूसरा शिकारी आएगा तो हम जो है ना अपनी भूख प्यास बुझाएंगे। बेटा इसकी एक्सरसाइज है, जरा आप लोग बुक ओपन कर लें तो मैं रीड आउट करता जाऊंगा, तो आप लोग ऑप्शन जो है जो राइट है वो आप लोग देख लेने। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द लेसन मेनली अबाउट, ये चैप्टर जो है ना ये सबक किस चीज के मुतालिक है। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है बी, हाउ अ हंटर एस्केप फ्रॉम सम डिसऑनेस्ट क्रोकोडाइल्स, कि किस तरह एक शिकारी कुछ बेईमान मगरमच्छों से फरार होता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द हंटर कैरी टू द रिवर, शिकारी दरिया पर किस चीज को ले जाता है द क्रोकोडाइल्स मगरमच्छों को। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का हु हेल्प्ड द हंटर, किसने शिकारी की मदद की थी। पहले भी बता चुका हूं कि मदद करने वाला वो क्लेवर रैबिट था, द क्लेवर रैबिट। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल प्रॉमिस टू द हंटर, मगरमच्छों ने शिकारी से किस चीज का वादा किया था। उन्होंने वादा किया था कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सी ऑप्शन है बेटा, दे प्रोमिस्ड दैट दे वुड नॉट हार्म द हंटर। आगे बेटा ट्रू फॉल्स है, The crocodiles kept their promise and thanked the hunter. मगरमच्छों ने अपने वादा पूरा किया और शिकारी को जो ना शिकारी का शुक्रिया अदा किया, ये फॉल्स है, उन्होंने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया था। द
The hunter carried the crocodile to the hunter. शिकारी मगरमच्छों को दरिया पर ले गया, ये इसका true option है, ठीक है। The clever rabbit asked the hunter to show the animals how they had come to the river. ये भी ठीक है हमारा। ये उस चलाक खरगोश ने शिकारी से कहा कि इन जानवरों को दोबारा दिखाए कि दरिया पर वो किस तरीके से आए हैं, वो इनको कौन ले आया। आगे बेटा वोकैबुलरी है आप लोगों की। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। दी क्रोकोडाइल्स हैड टू लेट दी हंटर टू गो। ऑप्शन में दो दिए गए, टू गो भी दिया गया, गो भी दिया गया, आप लोगों ने टू गो के ऊपर टिक करना है। दूसरा है बेटा दी हंटर डिड नॉट लेट दी क्रोकोडाइल टू हर्ट। एक हर्ट दिया गया, दूसरा टू हर्ट करना है हिज फैमिली। दी हंटर सेड ही वुड शो दी रैबिट How they had come to the river। इसमें बेटा which भी दिया गया, how भी दिया गया। how जो ऑप्शन है वो ठीक है आप लोगों का, उसके ऊपर टिक कर देना है। आगे बेटा चौथा है the rabbit wanted to know how the hunter had tied the crocodiles। खरगोश चाहता था कि वो उनको दिखाए या जाने के शिकारी ने मगरमच्छों को कैसे बांधा। ये इसके अंदर बेटा what भी दिया गया, how भी दिया गया, how वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने टिक करना है। आगे बेटा आ जाए डी जो चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा ये वर्ड दिए गए, फेयर दिया गया, वेप्ट दिया गया, लिफ्टेड दिया गया, रिवर साइड दिया गया, फ्लैश दिया गया, प्रोमिस दिया गया, क्लेवर दिया गया, पास बाय दिया गया। पहले है बेटा एट द डैश द हंटर अनटाइड द क्रोकोडाइल एट द रिवर साइड। पहला ऑप्शन बेटा रिवर साइड है बिकॉज। दूसरा है बेटा बिकॉज द क्रोकोडाइल्स वर वेरी हंग्री दे फेल्ट। दूसरा है क्या है बेटा दे फेल्ट, उसका क्या है फेंट, वो बेहोश होने लगे थे। वुड आई नॉट बी तीसरे ऑप्शन में बेटा फुलेश है टू लेट यू गो सेड द क्रोकोडाइल्स। द क्रोकोडाइल्स डैश द क्रोकोडाइल्स वेप्ट एंड प्रोमिस नॉट टू हार्म द हंटर। पांचवा बेटा दी क्रोकोडाइल्स ब्रोक देयर प्रॉमिस एंड ट्राई टू हर्ट द हंटर। सिक्स ऑप्शन में है दी क्रोकोडाइल्स कुड नॉट वेट फॉर एन अदर हंटर टू। इसके अंदर क्या है बेटा आप लोगों का पास बाय। सेवंथ है बेटा दी डैश रैबिट दी क्लेवर रैबिट हेल्प दी हंटर टू गेट अवे। आठवां बेटा आफ्टर टाइंग दी क्रोकोडाइल टूगेदर दी हंटर डैश लिफ्टेड them on to his head। पहले ऑप्शन के अंदर बेटा रिवर साइड है, दूसरे ऑप्शन के अंदर आप लोगों का है बेटा फेंट, तीसरे ऑप्शन के अंदर बेटा आप लोगों का फुलिश, चौथे ऑप्शन के अंदर आप लोगों का वेप्ट, पांचवें नंबर पर आप लोगों का प्रॉमिस, छठे ऑप्शन में बेटा पास बाय, सेवंथ में बेटा क्लेवर और एट के अंदर आप लोगों का लिफ्टेड। ये थी बेटा आज की हमारी असाइनमेंट। आपने बेटा इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन तैयार करनी है और ये आप लोगों ने बेटा ये एक्सरसाइज नोटबुक के ऊपर राइट करके हमारी तरफ सेंड करनी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।